आज मैं घोसपाड़ा जलपाईगुड़ी में स्वप्ना बर्मन के परिवार के सदस्यों से मिलने आया था। मेरे को माननीय मोदी जी ने कहा कि जब आप उस इलाके में हैं तो वहां पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों को मिलकर हमारी शुभेच्छा और हमारा जो आशीर्वाद है वो पहुंचा के आइएगा और उनके माता पिता को नमस्कार करके आइएगा। मैं आज सुबह उनके माता पिता से मिलने आया और उनके भाई बहनों से, उनके परिवार के सदस्यों से मिलने आया। एक बहुत ही पिछड़े गांव से और एक बहुत ही निर्धन परिवार से किस तरह से एक लड़की एशियाड में जाकर स्वर्ण पदक प्रदान करती है, उसका सही चित्रण इस गांव में नहीं आने से नहीं आता, समझ नहीं आता। फिर मैंने हमारे देश के क्रीड़ा मंत्री माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ में उनकी माताजी की बात कराई। राठौर जी ने उनको सूचित किया कि 4 तारीख को सपना अपने संगी साथियों के साथ में, जो विजयी हुए हैं उनके साथ वो उनको मिल रही हैं दिल्ली में। वहाँ पर उनको 30 लाख रुपया देकर पुरस्कृत किया जाएगा सपना को, साथ में नकली, और 5 तारीख को वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगी और यथाउचित स्थान पर जहां वो नौकरी करना चाहेंगी वैसे विभाग में उनको नौकरी भी ऑफर होगी।